भर पाया था, अपनी शक्ति के अहंकार में तीनों लोगों में उत्पात मचाया था। करके उसने मांगा था कि कोई उसको मार न पाए, चाहे वो वह नर या नारी, पर उसका कुछ बिगाड़ न पाए। मानव हो या दानव हो, देवता या गंधर्व हो, दिन हो या रात हो, चाहे अस्त्र हो या शस्त्र हो। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। हिरण्यकश्यप प्रणाम ब्रह्मदेव। वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं, बताओ क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मार ना सके, ना नर ना नारी, ना पशु ना पक्षी, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, तथा भगवान में बन जाऊंगा। पर जहाँ होता अंधकार वही प्रकाश आता है, सबको अपने कर्मों का फल पृथ्वी पर ही मिल जाता है। हिरण्यकश्यप की थी पत्नी कयाधु, जिनका नाम था, दिया जन्म प्रहलाद को, था भक्त जो भगवान का। खुद को भगवान समझने वाला, जिसमें भरा अहंकार था, अपने पुत्र रूप में ही पाया इसने भक्त विष्णु भगवान का, भक्त विष्णु भगवान का। नारायण नारायण हरि हरि, भजमत नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, भजमत श्रेष्ठ आयुष्मान भवा। महारानी, आपका पुत्र अत्यंत तेजस्वी है, साथ ही यह भगवान नारायण का परम भक्त है। भविष्य में प्रहलाद को भगवान नारायण के परम भक्त के रूप में जाना जाएगा। सब आपका आशीर्वाद है मुनि श्रेष्ठ। पुत्र प्रहलाद, आओ हम भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वंद्व छिड़ा पिता और पुत्र में, दोनों ने यह ठानी थी। हिरण्यकश्यप को अहंकार से था प्यार, पर प्रहलाद को भक्ति। प्रणाम पिताजी। मूर्ख प्रहलाद, तेरा पिता ही इस संसार का भगवान है और तू उस विष्णु की पूजा करता है। रे मूर्ख, आज से तू उसकी पूजा करना छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरा अंत कर दूंगा। पिताजी, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही भगवान है और वह है भगवान विष्णु। आप अपने अहंकार का त्याग करके उसी प्रभु की शरण में आ जाइए। ले जाओ उसे मेरे सामने,
जतन हजार, हार गया हिरण्यकश्यप करके जतन हजार, पर लाख कोशिशों के बाद भी ना पाया प्रहलाद कुमार, ना पाया प्रहलाद कुमार, जहर पिलाया। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। पहाड़ से गिराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्म तेल में डाला था। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर अपने भक्त को पग पर भगवान ने संकट से निकाला था। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मां धर्म निभाती हे स्वामी, प्रहलाद की भूल को क्षमा कर दीजिए, वह अभी बालक है, दया करिए स्वामी, मैं प्रहलाद को समझाऊंगी। समझने समझाने का वक्त निकल गया महारानी, अब तो उसका अंत होगा अंत, दया करिए स्वामी, दया करिए स्वामी, क्या भूल जाइए यहां से। पर काल निकट जब आता है, पहले विवेक मर जाता है, उस पर भी काल छाया था, उसने प्रभु से बैर लगाया था, बहन होलिका ने आकर आग में घी डाला था, भाई बहन ने मिलकर के प्रहलाद के बर्तन निश्चय कर डाला था, नहीं जलेगी आग में वरदान उसने पाया था, लेकर बैठूंगी अग्नि में प्रहलाद को, भाई को सुझाव बताया था। प्रणाम भैया। भैया आप इतने चिंतित क्यों हैं? बहन तुम्हारा भतीजा तुम द्रोही है, वह मेरी जगह विष्णु की पूजा करता है। भैया मैं अभी आपकी समस्या का अंत कर देती हूँ। वह कैसे? भैया आपको ज्ञात होगा कि मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि मैं आग में जलूंगी नहीं, तो क्यों ना उस आशीर्वाद का लाभ लिया जाए, मैं आग में उस कुंडोई को लेकर बैठूंगी, वह जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। भैया एक लकड़ी का ढेर लगवा दीजिए, मैं उस पर प्रहलाद को लेकर बैठूंगी और वह चलकर भस्म हो जाएगा। सजी चिता प्रहलाद होलिका दोनों उसमें बैठे, सजी चिता प्रहलाद होलिका दोनों उसमें बैठे, पर अच्छाई पर बुराई की जीत हो सकती थी कैसे, पर अच्छाई पर बुराई की जीत हो सकती थी कैसे। जली होलिका और अपने भक्त को प्रभु ने बचाया, जली होलिका और अपने भक्त को प्रभु ने बचाया, होती जीत सदा सच्चाई की सबको यह समझ आया, होती जीत सदा सच्चाई की सबको यह समझ आया। जब जब हो धर्म की हानि,
पारे असुर अगम अभिमानी सब सब प्रभु हरि।